लंबी प्रतीक्षा के बाद नीट का एग्जाम आज 6 मई 2018 को हो ही गया है। काफी अच्छा पेपर था, कुछ बच्चों ने उसको हार्ड बताया है। फिजिक्स सेक्शन की अगर बात करें तो फिजिक्स सेक्शन एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा सा हार्ड था, और जैसे कि मैंने वायदा किया था पिछले वीडियो में अपनी कि हम बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन अपनी यूट्यूब पर और ब्लॉग पर अपलोड कर देंगे। तो पेपर हमने सोल्व कर लिया है, पूरा सेक्शन फिजिक्स आपके केमिस्ट्री आपके सामने है। मेरे पास जो मैंने सॉल्व किया है वो सेट सी है, आपके पास क्या सेट था उसी अकॉर्डिंग मैं जो फोटो है वो आप तक यूट्यूब चैनल पर आप देख ही रहे हैं। तो सी सेक्शन अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट मैच कर सकते हैं, या फिर कि हमने एक क्लेवेसेंट करने बनाई है। सेट सी में जो केमिस्ट्री थी वो 136 क्वेश्चन नंबर से लेकर के 180 तक थी। अगर आपके पास में सेट सी था तो आप वीडियो को यहीं पर स्टॉप करके अपने आंसर मैच कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन मैं डिटेल में दे देता हूं, ये देख लीजिएगा। पहले सेट सी के लिए क्वेश्चन नंबर 136, आंसर 3 4 1 1 4 1 1, इस तरीके से ये है। स्क्रीनशॉट लेकर भी आप मैच कर सकते हैं, और अगर आपको प्रिंट चाहिए तो प्रिंट आप मेरे ब्लॉग drsudhirkemistry.blogspot.com पर जाएंगे, वहां से आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं सेट सी के लिए। अब आप कहेंगे कि मेरे पास तो सेट ए था, सेट बी था या सेट डी था, तो किस प्रकार उसको मैच करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, ये की है पूरी, अब मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में अब हम आपके सामने ले लेते हैं। आप यहां स्क्रीन पर देखेंगे, अभी यहां आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर 136 ये स्क्रीन पर है। 136 आप अपने सेट में देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन नंबर था आपका 136 पर है। आयरन कार्बन आयल्स FeCO5 बेस, ये मोनो न्यूक्लियर होता है, इसमें आयरन जो है वो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर आयरन मोनो न्यूक्लियर है ये कंपाउंड, इसमें एक ही न्यूक्लियस है। दूसरा क्वेश्चन 137 था, इसमें करेक्टली मैच करना था मैग्नेटिक मूवमेंट, CO3+ D7S2, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे D6 में आप देखेंगे तो 4 अनपेयर्ड बचते हैं, 4 अनपेयर्ड का मैच हो जाएगा 24 के साथ में, और इसका अगर पूरा आप करेक्टली मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन 4 बनता है। 4 ऑप्शन क्या है, और हाँ ये भी होता है क्वेश्चन नंबर तो चेंज होता ही है कुछ सेट में, जैसे 137 सी के अंदर है, किसी में ये 152 होगा, किसी में ये कहीं होगा। सेट को भी जरा ध्यान से आप मैच कर लेंगे, सेट 4 में यहाँ पर क्या मैच हो रहा है, ए के सामने 4 हो रहा है, बी के सामने 5 हो रहा है, सी के सामने 2 है, डी के सामने 1 है, इस तरीके से आप ठीक से इसको मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 पर इसमें पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट डीडी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिक एज वेल, इसका ऑप्शन 1 है, क्योंकि डी अगर सेकंड ऑप्शन की बात करें तो Mn7+ में है, वहां तो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इनमें भी डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि क्रोमियम 6+ D0 होता है। बात करेंगे इसकी Mn4 2-, तो वो मैग्नीज वहां पर 6+ में है, यानी कि D1 एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक हो गया, और डीडी ट्रांजिशन भी शो करेगा। 139 की बात करें तो 139 में ज्योमेट्री पूछी गई है NiCO4 की, NiCO4 जो टेट्राहेड्रल होता है, चूंकि D10S2 उसका कॉन्फ़िगरेशन है, D8S2 स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ में तो D10 हो जाएगा, और 4 लिगेंड्स जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज होंगे, टेट्राहेड्रल हो गया है, और डायमैग्नेटिक होगा ये, डायमैग्नेटिक यानी कि 139 का ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन ठीक है। 140 में पूछा गया है कि कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है, ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है कॉम्प्लेक्स है, तो ज्योमेट्रिकल सिसेंट ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा ये, 140 क्वेश्चन नंबर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसका ऑप्शन होगा, ये आप अपना मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 140 से आगे, क्वेश्चन नंबर 141 आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। बेंजीन ये फिडर क्राफ्ट रिएक्शन है, इसमें आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी लेकर, अगर कुछ स्टूडेंट इसको ये बना रहे हैं इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके मैकेनिज्म में प्रॉब्लम थी। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, ये क्यूमीन इसको बोलते हैं, क्यूमीन परोक्साइड के साथ में फिनोल बनाता है, साथ में एसीटोन रिलीज होता है, तो ये आप देखेंगे तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है इन्होंने, साथ में इसमें फिडर क्राफ्ट एल्काइलेशन को ऐड कर दिया गया है एडवांस फॉर्म को, इसका ऑप्शन ए है। 142 which of the following compound can form a zwitterion glycine, आप देखेंगे glycine zwitterion होता है, dipolar structure of amino acid, इसमें NH3 positive और COO minus हो जाएगा, इसमें कोई और option नहीं बनता है जो zwitterion बना सके 142 के अलावा। 143 direct NCERT से लिया गया है, balance करना था reaction को, इसमें आपका second option आएगा MnO4 2 mole होता है, 16 हो जाएगा आपका H+,
5 हो जाएगा आपका C2O4, 5 C2O4, 2, 5, 16, ये आपका थर्ड ऑप्शन होगा इसमें, ये ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर निशान यहाँ लगा है, बल्कि वो नहीं है, इसका अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन थर्ड होगा इसका, थर्ड ऑप्शन, 2, 5, 16, 143, एक बार आंसर की जो है वो देख लेते हैं, 143, 143, 143 के सामने 3 आएगा, 143, 3 आ, 3 ऑप्शन होगा आपका, 143 में 3 होगा, 143, 3, 144, इसमें पूछा गया है कि A, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए, A रेफर टू द अट्रैक्शन फोर्स, B रेफर टू द साइज, डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया है रियल गैस इक्वेशन यानी कि वंडरवाल गैस इक्वेशन से, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें ये आपका ली चैटलर प्रिंसिपल पर बेस है, इसमें दो मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल गैस का बन रहा है, इसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक के लिए हमें लो टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन तो हमें क्या करना चाहिए, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर 4 होगा। ये एक्स टू वाई बड़ा आसान क्वेश्चन है फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स, इसके लिए सी ऑप्शन होगा, 100 किलो जूल मोलिनोज इसका आंसर आएगा। 147 की बात करते हैं, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल देन हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का अगर आप रिलेशन देखें तो जनरल इक्वेशन होती है टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए की पावर एन माइनस 1 एन जीरो रखेंगे, ए की पावर माइनस 1 यानी कि टी हाफ एंड ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डबल होगा तो आपका रेट भी डबल हो जाएगा, डबल डबल यानी कि 3, 147 का 3 होगा यहां पर। आगे चलते हैं 148 क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं, 148 में विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितना आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी है, इसमें sp2, ये देखिए sp2 यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो sp और sp होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पूछा गया तो फोर्थ पोजीशन पर NO2 के अपोजिट होता है, यहां पर स्टेबल होता है ये क्योंकि ये कार्बन यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज दिख रहा है और कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर sp3 होगा, यहां पर इसमें विड्रॉइंग भी इससे दूर है मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन नंबर 150 में है, इसमें डायरेक्ट पूछा गया है इंडक्टिव ऑर्डर, तो क्वेश्चन नंबर तो ऑप्शन 3 होगा आपका, इसमें फ्लोरीन का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, उससे कम होता है मिथॉक्सी, उससे कम होता है NR2। क्वेश्चन नंबर 151 ले लेते हैं, 151 पर द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसका ऑप्शन थर्ड है, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, अभी आपने देखा है अगर वहां पर पिछले जो क्वेश्चन था n की पावर माइनस 1 जो लिखा था, a की पावर n माइनस 1, n 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन 3 है, एंड सेकंड ऑर्डर हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, इन्होंने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट difference between first and second order, so half life of a first order reaction does not depend upon initial concentration, T half like initial concentration, क्योंकि ये आपको पता है इसका formula होता है T half equal to 0.693 upon K, तो इसमें concentration का जिक्र ही नहीं आता है कहीं पर भी, तो इसका option third है। अच्छा, इसमें hydride के बारे में पूछा गया, ionic character fourth option होगा, BeH2 less than CaH2 less than BaH2। 153 में पूछा गया amphoteric, इसमें पूछा गया डिस प्रोपोनेशन, तो पहले सेट में आप देखेंगे कि ब्रोमीन जो है वो +7 में है और बाकी में +1 में है, Br2 0 है और BrO31 -+5 यानी कि ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है डिस प्रोपोनेशन रिएक्शन, सो BrO31 माइनस इसका आंसर होगा। 154 में पूछा गया है किसके अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, तो डेफिनेटली 18 ml ऑफ वाटर, क्वेश्चन नंबर आंसर 4 इसका ऑप्शन होगा। 155 The compound A on treatment with Na, कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए होगा, Na के साथ में रिएक्ट करेगा तो C2H5ONa बनाएगा, C2H5ONa बनेगा, उसके बाद में ये इथाइल क्लोराइड डाइइथाइल ईथर बनाएगा, यानी कि विलियमसन रिएक्शन हो जाएगा SN2 को फॉलो करते हुए, तो ऑप्शन ए है आपका। 156 में पूछा गया हाइड्रोकार्बन ए क्या था, वो मीथेन था, चूंकि मीथेन का ब्रोमिनेशन किया था ब्रोमोमीथेन बनेगा, वुड्स रिएक्शन से करेंगे तो CH3CH3 इथेन बनेगी, जो कि 4 नंबर से कम, वुड्स रिएक्शन में डबल बनता है, इवन नंबर बनता है, तो 4 तो बन ही नहीं सकता, बहुत आसान क्वेश्चन दिया था, 156 का 1 होगा। 157 पूछा गया है कि द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन, C7H8 ऑन क्लोरीनेशन, इसका आंसर होगा पैराब्रोमो टोलुइन, ये स्टेट क्वेश्चन है। व्हिच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट ए कॉमन पोल्यूटेंट,
हाँ इसका आंसर डी होगा N2O5। 159 में ये इस पर बेस है। देखिए इसमें फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विद H2SO4 दैट विल गिव यू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O। H2SO4 रिलीज हो जाएगा, सो 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड से 1 मोल ऑफ CO रिलीज होता है। ऑक्सैलिक एसिड जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो CO एंड CO2 दोनों रिलीज करता है। तो एक मोल यहां रिलीज हुआ है, एक मोल यहां हुआ है, एक मोल यहां हुआ है, और इसमें CO2 का एब्जॉर्ब कर लेता है KOH, बचता है CO। अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 1.4, ऑप्शन 4 होगा 159 का। 160 डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। एमाइलोपेक्टिन में स्ट्रक्चरल डिफरेंस पूछा गया है। एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज। ये आप देखिए 160 का फोर्थ ऑप्शन है इसमें, 1,4 एंड 1,6 अल्फा लिंकेज। 161 में मोस्ट एसिडिक दैट इज BDO, गैलियम ऑक्साइड। 162 में नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आल्सो गिव मेटानाइट्रो एनिलीन। चलो ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट इन एनिलीनियम आयन, ये इसका आंसर होगा। 163 में इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें थर्ड है, दे आर फॉर्म फ्रॉम बाई एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर, ये गलत है। पहला ऑप्शन ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बेकेलाइट और मिलेमाइन 3D नेटवर्क पॉलीमर ऑलरेडी है, तो ऑप्शन थर्ड जो है आपका रॉन्ग है 163 में। 164 देखेंगे, 164 में 75 ये है आपका ऑप्शन, इसमें 75 into 1 by 5 15 ml हो गया, 25 into 1 by 5 5 हो गया, तो 15 minus 5 10 millimole बचेगा और 100 millimole जो है milliliters का वॉल्यूम है, तो यहां से देखेंगे तो 10^-1 आ जाएगा रेस्ट मिलीमोल, यानी कि -log 10^-1 1 log 10, ये ऑप्शन होगा आपका। 164 का सी ऑप्शन होगा, सी कहां दिया है, सी दिया है एक ऑप्शन में, ऑप्शन वन करेक्ट। 165 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हार्डेस्ट रूल जरूर है सरफेस केमिस्ट्री से, तो इसमें साइन भी डिपेंड करता है, साइन का मैग्नीट्यूड भी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा कोएगुलेशन फास्ट होगा। 166 में अगर आप कैलकुलेशन करके देखेंगे सोल्युबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, 2.42 × 10^-3 / 233 1.07 के आसपास इसका मोल बनेगा, तो 1.07 × 10^-3 10^-5 हो जाएगा इंटू, क्योंकि एस स्क्वायर आएगा उसका, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वंडरवाल गैस कॉन्स्टेंट के बारे में पूछा, कौन सी जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी, तो ए H4 जिसका ज्यादा होता है, यानी कि 4.17 ज्यादा दिया है तो ये जल्दी लिक्विफाई हो जाएगी अमोनिया। 168 में पूछा गया है X Mg के साथ में रिएक्शन करेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिया 7 नाइट्रोजन के लिए, सो नाइट्रोजन जब मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करता है तो Mg3X2 बनता है, Mg3X2, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 169 का ऑप्शन 3 है, जब उसमें कन्वर्ट होता है आप कैलकुलेशन करेंगे टेम्परेचर, बाकी चीजें सेम भी हुई है, डेंसिटी से डेंसिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 170 में मुझे कौन सा रोंग है, आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन गलत दिया हुआ है, कितना आसान क्वेश्चन था एकदम इजिली फाइंड आउट करने के लायक। क्वेश्चन सेकंड 170 का 2 हो गया ऑप्शन। 171 में पूछा किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, आप देखेंगे Cl- सी में होता है P2 लास्ट में, नाइट्रोजन होता है P3, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 बॉन्ड बन जाएंगे, 6 - 0.2 दैट विल बी 3, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर इसमें होगा। 172 देखते हैं, 172 में पूछा कौन सा ठीक नहीं है, तो भाई ये ठीक नहीं है इसमें सेकंड ऑप्शन, इसने कहा फ्लोरीन सो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, कभी नहीं, क्योंकि फ्लोरीन तो नेगेटिव होता है, इससे ज्यादा नेगेटिव कुछ हो ही नहीं सकता, क्लोरीन की बात करें तो वो हो सकता है, लेकिन फ्लोरीन नेगेटिव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कभी शो नहीं करेगा। 173 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म Mf6 3- आयन, कौन नहीं बनाएगा, बोरोन नहीं बनाएगा क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं होते इसके पास में। स्ट्रक्चर CnF3 कितने लोन पेयर बचेंगे, 2 लोन पेयर बचेंगे, टी शेप आएगा sp3d विद 2 लोन पेयर, कंसीडरिंग इलिंगम डायग्राम, तो उसमें मैग्नीशियम जो है वो रिड्यूस कर देगा एल्युमिनियम को, अगर आप इलिंगम डायग्राम को ठीक से देखेंगे, और ये इसमें पूछा गया है इसमें कार्बन इंटरमीडिएट होगा, ये रिमर डिमन रिएक्शन है, रिमर डिमन रिएक्शन डायरेक्ट दिया है, ऑप्शन 1 है 178 का। 179 कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा का रीजन पूछा गया, तो उसमें है फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
OH का बॉन्डिंग तो होता ही है, लेकिन जो सी डबल बॉन्ड ऊपर ऑक्सीजन है वो भी हाइड्रोजन के साथ में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। 180 क्वेश्चन, 180 में दिया हुआ है कंपाउंड ए C8H10, ये आयरन होम रिएक्शन है। आयरन होम रिएक्शन कौन दे रखा है, इजीली क्वेश्चन है, डायरेक्ट फाइंड आउट करना था, ऑप्शन सेकंड होगा, इसके लिए ऑप्शन सेकंड होगा। ये 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री में थे और इसमें से 37-38 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन ट्विस्ट था, न्यूमेरिकल बहुत कम थे। कुल मिलाकर के मेरा रुझान है, मैंने जो बच्चों से बात की है कि केमिस्ट्री में बैलेंस दिया था, बैलेंस फिजिक्स थोड़ा हार्ड था और बायोलॉजी में भी अब की बार कुछ क्वेश्चन को ट्विस्ट किया गया है, घुमाया गया है, आपको घुमाने की कोशिश हुई है। तो मेरिट क्या रहेगी, कहाँ जाकर के मेरिट रुकेगी, अभी हम आंकलन करेंगे, सभी स्टूडेंट से बात करेंगे। आपके पास में भी अगर कोई ऐसा सुझाव है जो आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग आपका पेपर कैसा गया है, किस तरीके का, तो आप हमें लिख सकते हैं और आपके कमेंट को हम इम्पोर्टेंस देंगे, उसी के आधार पर हम मेरिट जज करके बनाएंगे। साथ में अगर आप अपना YouTube वीडियो, आप अपना एक वीडियो बनाकर भी हमें लगभग एक मिनट से कम का WhatsApp कर सकते हैं, WhatsApp नंबर मेरा आपको पता ही है, दिया हुआ है। तो आपकी वीडियो को मैं नेक्स्ट वीडियो में कि आपका रेस्पॉन्स क्या है उसको मैं एज सच अपनी वीडियो में इंक्लूड करूंगा। आप अपना नाम बताएंगे, शहर का नाम बताएंगे, तो वो आपकी इकट्ठी एक वीडियो बना करके फिर हम आप में उसमें एनालिसिस करके आपको बताएंगे। पेपर अच्छा गया होगा, किसी वजह से किसी स्टूडेंट को निराशा हाथ लगी है, तो निराश जीवन ये नहीं होता है, निराश नहीं होना है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं बताने वाला हूँ, आप मुझसे दिल खोल करके बात करें। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी तसल्ली हुई होगी। बाकी फिजिक्स भी अपलोड हो रही है वीडियो, फिजिक्स के लिए भी हम बताते हैं अभी आंसर। और रही बात बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के लिए आप, ये चैनल केमिस्ट्री स्टूडियो है, बायोलॉजी के लिए आप बायोलॉजी स्टूडियो मोनिका मैम का चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां पर जाकर के आप बायोलॉजी के आंसर अपने मैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा 180 क्वेश्चन आपको मैच हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।